दोस्तों जस्ट अभी मैं लैपटॉप पे न्यूज़ पढ़ रहा था और मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए पाबंदी डाल दी है, रोक डाल दी है। एक्चुअली क्या हुआ था कि नवंबर 21-22 में एचडीएफसी के जो बैंक के सर्वर थे वो डाउन हो गए थे, जिसके वजह से लोग पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, ईएमआई का लोन नहीं भर पा रहे थे। और उसी के रीज़न के वजह से गवर्नमेंट ने उनको बताया है कि भाई आप पहले ये सारे टेक्निकल ग्लिचेस और इश्यूज जो है इसको पहले आप क्लियर करो, उसके बाद ही आपको नए क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इशू करना स्टार्ट करो डिजिटल 2.0 में। अब एचडीएफसी दोस्तों एचडीएफसी बैंक यही बता रहा था कि पावर फेलियर था, इसके लिए हमारे सर्वर्स में इशू आ गए थे। बट ये दोस्तों पहली बार नहीं है एचडीएफसी के साथ, पास्ट में भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब इनके टेक्निकल इश्यूज के वजह से कस्टमर्स पेमेंट कर नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट मेरा खुद का ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे मैं भीम ऐप या गूगल पे के थ्रू एचडीएफसी का मैं पेमेंट करना चाहता था बहुत बार, बट वो होता नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये सारी कंप्लेंट्स को देखते हुए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है कि आप पहले ये इश्यूज रिजॉल्व करिए और उसके बाद ही आपको न्यू क्रेडिट कार्ड्स इशू करने के लिए आपको परमिशन मिलेगी। तो ये दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ था जो मैंने सोचा कि आप तक इमिजिएटली डाल दूँ। इसके लिए मैंने कैमरा वैमरा भी नहीं सेटअप किया है, सीधा मोबाइल से ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, रियली में ये कंप्लाई कितने दिन में कर पाते ये सारे चीज़ें, और इसमें क्या इफेक्ट होने वाला है एचडीएफसी बैंक को आगे, कुछ मुझे पता नहीं है। इतना एचडीएफसी बैंक ने बोला है कि एग्जिस्टिंग जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है, एग्जिस्टिंग जो इनके जो अकाउंट्स वगैरह है उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, और आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।